नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या। डॉक्टर चिन्मय पंड्या इतने पढ़े लिखे हैं कि शायद इस देश में ऐसे बहुत लोग होंगे लेकिन इनके स्तर पर इतने कम ही होंगे। डॉक्टर पंड्या, आपका अभिनंदन है। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप इस देश के एक बहुत बड़े स्कॉलर हुए पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य, उनके ग्रैंडसन हैं, पड़पौत्र हैं। तो सबसे पहले तो ये जानने की मेरे में उत्सुकता है कि आपकी आवाज़ इतनी मधुर है, आपके विचार इतने मधुर हैं, तो ये मधुरता उनसे सीखी या आपकी अपनी है? सूर्य के पास रहने का यदि किसी को अवसर मिले तो उसके जीवन में थोड़ी सी गर्मी आ ही जाती है जी। हम लोग तो पूज्य गुरुदेव के चरणों की धूल के बराबर हैं। उनका जीवन जिस शिखर पर था उसमें हम लोगों को ये सौभाग्य मिला कि निकट से देख पाए, सुन पाए, तो हमारे जीवन में भी जो छोटी मोटी योग्यता आई वो उन्हीं के समीप रहने से आ पाए जी। लेकिन आपने इतना भव्य आयोजन किया है और इतना बड़ा, मैं व्यूअर्स आपको बताना चाहता हूँ, इतना बड़ा गायत्री परिवार जो है वो हुआ है और वो परिवार इस स्थान तक पहुँचा है। भारतीय संस्कृति में उसका एक बहुत बहुत बड़ा योगदान है। क्या कहना चाहते हैं और क्या आपको लगता है आज जो मुकाम गायत्री परिवार का है उसके पीछे के तीन बड़े पॉजिटिव कारण कौन से हैं? सबसे बड़ा पॉजिटिव कारण तो मेरे ख्याल से पूज्य गुरुदेव का अपना जीवन ही है। लगभग 42 वर्ष तो गुरुदेव एकांत में रहे और बाकी के 38 वर्षों में उन्होंने 3400 पुस्तकें लिखी। ऐसा 3400 हम लोगों की 12 लोगों की टीम थी, उनको 12 वर्ष लगे। कितने वर्ष में लिखी है 3400 पुस्तकें? 38 वर्षों में गुरुदेव ने लिखी। लोग अपने जीवन में 3400 पुस्तकें पढ़ नहीं पाते, उन्होंने लिख ली जी। और ये पूरा का पूरा जो गायत्री परिवार बनाया वो इतना अभूतपूर्व बनाया, मतलब आज करोड़ों के करीब गायत्री परिवार के सदस्य हैं, 5000 से ज़्यादा केंद्र हैं, 80 से ज़्यादा देशों में शाखाएं हैं और उनमें से हर व्यक्ति के अंदर भावना एक ही है कि हम अपने आप को अच्छा इंसान बना पाएँ। तो जो सबसे बड़ा पॉजिटिव था वो यही था। और शायद दूसरे पॉजिटिव के लिए मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। गुरुदेव के जब 24 गायत्री महापुरुष चरण संपन्न हुए, जो गायत्री की दृष्टि से सर्वोपरि साधना कही जाती है, संपन्न हुए तो एक भारत के सबसे धनाढ्य व्यक्ति गुरुदेव के पास 11 करोड़ रुपए 1951 में लेकर के पहुंचे, चरणों में रखे। गुरुदेव आप सोने का मंदिर बनाइए। गुरुदेव ने कहा बेटा पैसे में छूता नहीं, तेरे लूंगा नहीं, वापस लेकर के जा। एक बात बता कि भगवान सोने के मंदिर में बैठे और बाहर व्यक्ति को खाने को नहीं मिले तो भगवान को कैसा लगेगा? बोले तो स्कूल बना, कॉलेज बना, हॉस्पिटल बना, हमारे लिए वही भगवान के मंदिर हैं। तो जो सोच गुरुदेव ने दी वो इतनी गंभीर दी कि हमारी जो असली साधना है वो एक दुखी व्यक्ति के दुख को दूर करने में निवास करती है, वही हमारा भगवान है। यदि हमने उसके दुख को दूर कर दिया, उसकी पीड़ा से उसको मुक्त कर दिया तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। भारत में एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण हम देख रहे हैं। रामलला का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, शायद ये पहला मौका है जब कोई हिंदुओं का धर्म स्थल उन्हें शायद वापस मिला है। मुझे ध्यान में नहीं आता 550 साल या उससे पहले में कभी ऐसा हुआ हो। जब वो रामलला अवतरित हुए, आपने दर्शन किए, देखे, तो आपको क्या महसूस हुआ उस पल? बहुत ही अलौकिक क्षण था। और मैं कल ही इस बात को कह रहा था कि कितने परम सौभाग्य का विषय है कि हम लोग ऐतिहासिक पौराणिक आख्यानों में पढ़ते हैं कि जब भगवान राम का पुनर्आगमन हुआ अयोध्या, तो अयोध्या लौटने के बाद जो पहला कार्य उन्होंने किया कि राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए अश्वमेध यज्ञ को करना अनिवार्य है जी। और ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ भगवान राम का आगमन हुआ और यहाँ राम राज्य की बीजारोपण के लिए गायत्री परिवार का अश्वमेध पहले से ही निर्धारित था। और इस चीज को आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ये पहले से ही निर्धारित था, 22 जनवरी की तारीख आने से भी पहले हम लोगों की जो मूल विधि का विधान मूल जो 1008 जी अश्वमेध यज्ञ वो है जो कि 1008 कुंड यहाँ पर बने हुए हैं और एक यहाँ पर बड़े बड़े मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, मुख्यमंत्री आए, तो मतलब ये पहले से निर्धारित था जी। जी, ये वाकई बहुत ही बहुत जरूरी बात है हमारे दर्शकों के लिए भी आपके माध्यम से। तो ये आपने कब प्लान किया था? ये तो लगभग 4 वर्ष पहले की प्लानिंग थी और जो इसकी मूल तिथियां थी वो एक्चुअल में 23 जनवरी से शुरू होने वाली थी। ये उससे भी बड़ा देवी संयोग है
कि 22 जनवरी को भगवान का आगमन हुआ, 23 जनवरी से हम लोगों के अश्वमेध को प्रारंभ होना था जी, पर चूंकि भारत के सभी प्रतिष्ठित लोगों को वहां पर उपस्थित होना था तो उसके तुरंत अगले दिन सब लोगों का यहां पर उपस्थित हो पाना संभव न हो पाता और प्रशासनिक चुनौती भी सरकार के लिए रहती, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको एक माह आगे बढ़ाया। और एक माह आगे बढ़ाने में भी जो देवी संयोग हुआ वो ये हुआ कि कहते हैं कि जब भगवान का पुनरागमन हुआ तो देवताओं ने एक मास के लिए दीपक जलाए थे, तो हम लोगों का जो दीप महायज्ञ है वो भगवान के आने के ठीक एक माह के बाद ही हो रहा है। जी जी, अब तो रेगिस्तान में भी मंदिर का निर्माण हो गया, अबू धाबी में भी मंदिर का निर्माण हो गया। ये जो भारत का पुनः सांस्कृतिक जागरण है, इसको आप कैसे देखते हैं आपके शब्दों के अंदर डॉक्टर पंड्या? भारत की संस्कृति तो कभी सोई ही नहीं थी अभी, लेकिन खोई तो जरूर सोई जी, नहीं थी, खो तो गई थी। जी जी, इससे बढ़कर के बात क्या हो सकती है अमीश जी, कि आप सोच करके देखिए कि 3 दिन के लिए किसी को जेल में डाल दीजिए आप, उसके लिए अपने जीवन के अभिमान को, स्वाभिमान को लौटा पाना, अपने ऊपर विश्वास को लौटा पाना, आत्मविश्वास को लौटा पाना असंभव जैसा हो जाता है। यहाँ हम लोग 1500 वर्ष की पराधीनता से गुजरे हैं, पर घर घर के अंदर जो खुशबू है, जो संगीत है, जो सौंदर्य है, जो स्वाभिमान है, जो उसके अंदर भावना है देश के प्रति, देश की संस्कृति के प्रति, देश के गौरव के प्रति और देश के भविष्य के प्रति जो आशाएं हैं, वो आपको 2000 वर्ष के बाद भी वैसी ही अक्षुण्ण नजर आती हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली इंटैक्ट, जैसा पहले था वैसा आज है, जबकि इस बीच में हूणों के आक्रमण हुए, शकों के हुए, मुगल के हुए, मंगोल के हुए, अंग्रेजों के हुए, हमारे अपनों के भी हुए, अपनों के भी। लेकिन सोने और खोने की बात में मैं वापस लौट के आता हूँ। तो आपने, आपको लगा कि कहीं ना कहीं जो महसूस होता है हमें कि हम अपनी संस्कृति को भूल चुके थे या फिर उसको भूलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भारतीय संस्कृति वापस लौट के आई है और उसका पुनर्जागरण हुआ है। क्या आपको लगता है कि इस कार्य में सरकारों का, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का तो अपना हाथ रहता ही है, लेकिन जब तक लोगों का ध्यान नहीं होगा ये कुछ पॉसिबल नहीं है ये सब कुछ? ये कार्य सही पूछें तो है भी समाज का ही। सरकार जो है वो नियम बनाने का काम कर सकती है, व्यवस्था को सुनिश्चित कर सकती है जी, पर अंतःकरण को पवित्र करना तो हमारी ही जिम्मेवारी है। आप नियम बना करके संस्कृति का मंत्रालय खोल सकते हैं पर संस्कार उत्पन्न नहीं कर सकते। संस्कार तो व्यक्ति अपने अंतःकरण से ही करता है। और जो आपने प्रश्न पूछा वो इतना जरूरी है कि सही पूछें तो जो अश्वमेध यज्ञ का मूल उद्देश्य है वो उसी भारतीय स्वाभिमान के भाव को पुनः जगाना है। जब वंदनीय माता जी ने श्रृंखला को प्रारंभ किया तो 1991 में इसका जो मूल नाम दिया वो दिया देव संस्कृति दिग्विजय अभियान। उसके पीछे भाव ये था कि जो भारत की संस्कृति थी, देव संस्कृति, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, उसका पुनर्जागरण हो, पुनर्बोधन हो, उसका नवोन्मेष हो, उसके प्रति व्यक्ति के अंदर वही भावना आ सके जो कभी पहले हुआ करती थी, तो उसको जगाने के लिए। जी, एक ये अभूतपूर्व आपने बात बताई कि राम मंदिर का जब निर्माण हुआ उसके बाद अश्वमेघ यज्ञ पहले से निर्धारित था, तो हम कह सकते हैं कि आपकी सांस्कृतिक चेतना पर तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन क्या ये भी कह सकते हैं कि आपको आभास था कि रामलला आएंगे? भगवान को आभास था, ईश्वर को आभास, ईश्वर को आभास था। ये आप जब ये घटनाक्रम हुआ आप खुद अचंभित हुए कि नहीं हुए? हम लोग सभी अचंभित हुए और सुखद अचंभित हुए। ये मन में एक बड़ा ही सौभाग्य लगा कि देखिए हम लोगों की तिथि तो वर्षों पहले से ही सुनिश्चित थी कि हमें इस तारीख को इस यज्ञ को करना है, और जैसे ही वो तिथि सुनिश्चित हुई तो लगा जैसे भगवान ने इस तिथि का चयन किया। जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये करोड़ों दर्शकों के लिए हैं जो इस समय हमें सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे, वैसे टेलीविजन के माध्यम से देखेंगे, लोग नेगेटिव बड़े रहते हैं, तो पॉजिटिव रहने के लिए उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं आपकी टॉक सुन रहा था अभी, आप अंदर बोल रहे थे और आप इतना मधुर बोल रहे थे और इतनी पॉजिटिविटी के साथ बात कर रहे थे कि आप बहुत कटु बात भी बहुत सरल शब्दों में कह रहे थे। तो ये जो लोग नेगेटिव रहते हैं, जिन्हें लगता है कि हम बीमार हो गए हैं, अब हम कैसे ठीक होंगे, हमारा नुकसान हो रहा है, अब हम कैसे आगे बढ़ेंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जीवन में व्यक्ति क्या है कि बंद दरवाजे की ओर देखने में इतना मशगूल हो जाता है कि खुले को भूल जाता है। यदि व्यक्ति को कभी ऐसा लगे कि हम जीवन में संकट की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं,
तो पहले तो याद रखे कि हमसे ज़्यादा संकट और कठिनाई से तो महापुरुष गुजरे थे। भगवान राम के जीवन को यदि हम देखें, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए जा रहे थे जी, इधर जो है गान शुरू हो गया है, ऋषि मुनि आ गए हैं, सबको आमंत्रण दे दिया गया है, भारत के 100 से ज़्यादा राजा उनके राज्याभिषेक के लिए उपस्थित हैं, और जितने गर्व गौरव के साथ भगवान सीढ़ियाँ चढ़े, उतने ही गर्व गौरव के साथ जैसे ही वनवास जाने की आज्ञा हुई उसी मुस्कुराहट के साथ गए। हमारे हाथ में कोई समोसा रख दे और ले ले तो व्यक्ति का मन किलस जाता है। यहाँ पे चक्रवर्ती सम्राट बनने से वनवास मिला, राजा बन रहे थे, वनवासी हो गए। आप सोच के देखिए कि क्या उनके लिए कष्ट की घड़ी नहीं रही होगी। भगवान कृष्ण जो थे उनके दूध के दांत नहीं गए, पूतना, अघासुर, बकासुर, इतने सारे असुरों से तो भगवान को लड़ना पड़ा। वो कह सकते थे कि भाई थोड़ा चैन तो लेने दो, अभी तो मैं पैदा ही हुआ हूँ, पर नहीं, भगवान को कष्ट से गुजरना पड़ा, ध्रुव को नहीं गुजरना पड़ा, प्रहलाद को क्या आग में नहीं उतरना पड़ा, सुधन्वा को क्या खोलते तेल में नहीं उतरना पड़ा, ये कबीर को क्या पानी के अंदर डुबाया नहीं गया, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को क्या जिंदा चिनवाया नहीं गया। इतने सारे महापुरुष हैं, उनके कष्ट हमारे कष्ट के सामने तो उनके कष्ट हजारों गुना ज़्यादा बड़े थे। तो अगर जीवन है तो कष्ट हो गई, जीवन है तो चुनौतियाँ हैं, बिना चुनौतियों के नहीं है, पर जो हमारे जीवन में संकट लाना जानता है वो संकट से निकालना भी तो जानता है। तो संकट को आनंद की तरह ले, संकट को सौभाग्य की तरह वरण करें। एक छोटी घटना बताता हूँ मैं आपको। भारत के बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, वो गुरुदेव से मिलने के लिए गए, तो क्या है बार बार गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, व्यक्ति अच्छा नहीं। तो गुरुदेव ने उनसे तीन बातें बोली। उनने कहा बेटा ऐसा है कि देख, एक बाघ के अंदर गुबरेला भी होता है और भौंरा भी होता है जी। बोले एक जो है गंदगी पे बैठता है, एक पराग पे बैठता है। बोले तू तय कर तुझे बैठना कहाँ है, लोगों के दोष देखने के गुण देखने। बोले लोगों के गुण देखेगा तो जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। दूसरा बोले कि देख, बच्चों में बड़ों में वैसे तो बहुत अंतर है, पर एक जो सबसे बड़ा अंतर है कि बच्चे जो है जैसे ही प्रॉब्लम आई वैसे ही मम्मी के पास जाते हैं कि देखो उसने मुझे डांटा, आप कुछ करो। बोले यदि बड़ा व्यक्ति ऐसा करे तो लोग हंसेंगे। बोले बड़ा व्यक्ति बड़ा हो जाता है जब उसके पास समस्या का समाधान आता है। तो यदि हमारी ज़िंदगी में समस्याएं हैं वो तो हमें पता ही है, हमें समाधान की दृष्टि से सोचने की आवश्यकता। एक सवाल, यूथ जनरेशन डिसिप्लिन कैसे लाए अपने अंदर? मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल आप फिर बहुत समय से हम देख रहे हैं कि डिसिप्लिन नहीं होता यूथ के अंदर, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? और आपने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिसिप्लिन बनाया है। जो सबसे बड़ी चीज है मुझे लगता है जिस चीज पर आपने अपने जीवन में खुद डिसिप्लिन बहुत बनाया है। हम लोगों को तो कहां आप लंदन में थे और कहां आप यहां आ गए। जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता है जिसके कारण डिसिप्लिन जन्म लेता है वो ये है कि हमें उन लोगों को देखने की आवश्यकता है जो हमारे ही सामने हैं, हमारे ही आसपास रह रहे हैं, और जीवन की छोटी छोटी चीज़ें उनको प्राप्त करनी मुश्किल हो जाती है। हमारे यहाँ जैसे यूनिवर्सिटी में एक नियम है, आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिया, कि हर बच्चा जो पढ़ता है उसको एक माह की समाज सेवा करना अनिवार्य है। अच्छा, बिना ये नियम है? नियम है, बिना करे डिग्री नहीं मिलते। अगर ये हर यूनिवर्सिटी में शुरू हो जाए तो विरोध शुरू हो जाएगा दूसरी तरफ से, ये ऐसे कैसे करवा सकते हैं? इधर से हमारी एजुकेशन सब्सिडाइज्ड है जी जी। हम लोग क्या है बाकी की तुलना में एजुकेशन जो है सब्सिडाइज देते हैं, पर बदले में समाज के ऋण से मुक्त होने को उसे कहते हैं। पर एक घटना बताता हूँ, बहुत अमीर परिवार से एक बच्चा आया। वो जब पहली बार गया तो बहुत बस्तर में एक जगह पर वो गया था अपनी परिवीक्षा करने के लिए, जो सोशल इंटर्नशिप है। जब लौटा तो उसकी आंख में आंसू थे। बोले भैया मैंने पहली बार देखा कि जितना खाना मैं फेंक देता हूँ उसमें तो एक परिवार पल जाता है। उसका जो जीवन का जीने का तरीका था वो पूरी तरह बदल गया। तो जब व्यक्ति क्या है उन जगहों पे रहता है जहाँ पर वो देखता है कि जो मैं कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या हो रहा है, तो उसके जीवन के बदलने की संभावनाएं और ज़्यादा हो जाती हैं। आप इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ योगा कल्चर और स्पिरिचुअलिटी के चेयरपर्सन हो, तो आपकी नज़र में स्पिरिचुअलिटी क्या है, अध्यात्म क्या है आपकी नज़र में? अच्छा इंसान बनना। हर व्यक्ति को पता है कि अच्छा इंसान है कौन। यदि व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में तकलीफ में है तो उससे पूछने की आवश्यकता है कि जब आप तकलीफ में होगे तो पहला चेहरा कौन सा याद आता है। चाहे आपकी माँ का याद आता हो, आपके दोस्त का याद आता हो, आपके पिता का याद आता हो, जो चेहरा याद आता हो, जिसके पास आप कंफर्ट के साथ जाकर के रो सकते हो और आपको भरोसा है कि वो आपको जज नहीं करेगा और आपके विषय में कोई बुरा नहीं कहेगा और आपको आगे बढ़ने का मार्ग बताएगा,
बस वैसा ही इंसान बनने की आवश्यकता है, वही स्पिरिचुअल है, वही क्योंकि तो स्पिरिचुअल आजकल आज के युग में, आज की जनरेशन में एक लेटेस्ट ट्रेंड है। और ये व्यूअर्स मैं आपको भी कह रहा हूँ कि आई एम वेरी स्पिरिचुअल, बट शायद कईयों को पता नहीं है कि स्पिरिचुअल होना होता क्या है। सो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया कि स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली में है क्या, खुद को अच्छा, स्वयं को अच्छा इंसान बनाना ही स्पिरिचुअलिटी है। दो चीज़ें आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, बहुत बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसका मैनेजमेंट भी तो एक अपनी तरह का अध्यात्मी है, क्योंकि जो इसके मैनेजमेंट में लगे हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा पल है और बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि इतना बड़ा मैनेजमेंट करना ये किसी बहुत बड़े इवेंट से कम नहीं है। हम बहुत बड़े इवेंट्स की बात करते हैं तो उससे कम नहीं है। ये गायत्री परिवार का जो सबसे बड़ा सौभाग्य है वो इसके नाम के अंदर छुपा हुआ है जी। हम लोग परिवार है, मैं समझ रहा हूं देखकर अच्छे से। हम लोग परिवार है जी। जन्म हमें अलग अलग घरों में मिला होगा, पर हमारे लिए सब एक दूसरे के लिए भाई हैं, बहन हैं। किसी की कोई जाति नहीं, किसी का कोई वर्ग नहीं, किसी का कोई वर्ण नहीं, हमारी पहचान एक है। हम लोग गायत्री परिवार का हिस्सा है, भारत के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति आया है वो अपनी भावना के साथ इसको आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, पूरी टीम का काम, पूरे परिवार का, पूरे परिवार का काम, पूरे परिवार का काम है। यूथ जनरेशन के लिए, क्योंकि आजकल यूथ जनरेशन जो है वो या तो रील बनाती है या रील देखती है, उनको आप क्या कहना चाहते हैं अपने शब्दों में? टेक्नोलॉजी की अपनी एडवांटेज है और टेक्नोलॉजी की अपनी डिसएडवांटेज जी। जो डिसएडवांटेज है वो पहले बोलता हूँ ताकि एडवांटेज बोलने में आसानी हो जाए। एडवांटेज जैसे इनको पता है, अच्छे से यूज कर रहे हैं। एडवांटेज में भी जो एडवांटेज है जिसमें समाधान छुपा हुआ है एक्चुअल में, जैसे क्या है, जो एक समस्या है वो ये है कि व्यक्ति का अटेंशन स्पैन कम होता चला जा रहा है। चूंकि क्या है, बम्बार्डमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो व्यक्ति ये डिसर्न ही नहीं कर पाता कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में मुझे अपने जीवन के लिए क्या उपयोग करने की आवश्यकता है। दूसरा, पेशेंस कम हो रहा है, क्योंकि पहले 30 साल पहले आपने चिट्ठी भेजी, चिट्ठी पहुंचेगी, जवाब मिलेगा, व्यक्ति आराम से प्रतीक्षा करता था। अभी गया, 2 मिनट में पहुंच गया, व्यक्ति को लगता है कि तुरंत इसका उत्तर मिलने की आवश्यकता है, और ज़िंदगी के हर चीज़ में ऐसा ही होने की आवश्यकता है। तो किसी काम को करने के लिए आपको बीज लगाने से लेकर वृक्ष के फलने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और वो टेक्नोलॉजी हमें सिखाती नहीं है जी। एक आखिरी सवाल मेरा, ये मेरा सवाल दिल की गहराइयों से है और लाखों गायत्री परिवार के फॉलोअर की तरफ से है, और वो ये सवाल है कि पॉलिटिक्स से परहेज क्यों है गायत्री परिवार को? पॉलिटिक्स से परहेज नहीं है, गुरुदेव ने एक बड़ा सीधा सरल सा मार्ग हमें दिया जी। और उन्होंने कहा कि सरकार को देखे नहीं, समाज को भूले नहीं। हमारी जो दृष्टि है वो गुरुदेव ने समाज की तरफ लगा दी। उन्होंने कहा कि जहाँ हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो समाज के उत्थान में, पर आगे कभी मौका मिले तो? मुझे लगता है कि आगे इस दृष्टि से मौका मिले कि जो अच्छे लोग हैं, वो भावनाशील लोग हैं, वो अच्छी अच्छी जगह पर पहुँचें। गुरुदेव एक चीज़ कहते थे कि जो युग निर्माण है वो एक रात की घटना है जी। क्या है, 1980s की बात है, गुरुदेव बोले जिनके पास भावना है उनके पास अधिकार नहीं है, जिनके पास अधिकार है उनके पास भावना नहीं है। भावना वाले के पास अधिकार आ जाए तो युग निर्माण एक दिन में घट सकता है जी। तो हमारी तो प्रार्थना यही है, प्रयत्न यही तो है। आपकी भावना भी अच्छी है, अगर अधिकार आ जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, उन लोगों के पास पहुंचे जिनकी भावना अच्छी है। मैं इस सवाल को ज्यादा नहीं कुरे दूंगा, आपने इतना हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद, थैंक यू सो मच जी, धन्यवाद।